अब फटाफट से भागो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हाँ यार आपको गेम लिंक वहीं पर मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं बताऊंगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। वहां पर आपको एक डिस्क्रिप्शन में पहुंचोगे तो एक व्हाट्सएप का लिंक आएगा, इधर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, आई मीन व्हाट्सएप चैनल, तो आपको उसमें ज्वाइन कर लेना एंड आपको वहां पर डायरेक्ट मीडिया फायर की लिंक मिलेगी। समझ रहे हो ना, बवाल चीज है यार। अब इनकी मेन बात अब कर लेते हैं, ठीक है। So, hey guys, welcome back आप सभी को न्यू वीडियो में, जहां पर आज हम दोबारा से बात करने वाले हैं पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू के बारे में। ओके, तो ये हमारी कोई सीरीज नहीं है, ठीक है, और ना ही हमारी कोई फ्रेंचाइज है। वो मैं तो MBA चाय वाला बन रहा हूँ, बट मेन बात अपन अभी कर लेते हैं। 5-6 महीने बाद वापस आ रहा हूँ, तो स्वागत नहीं करोगे हमारा, परंतु मेन बात कर लेते हैं, यानी कि पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू के बारे में। अगर आपके पास 8GB रैम है, 6GB रैम है, तो भाई बहुत बढ़िया से चलने वाला है। 6GB में शायद से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर आपके पास 128GB इंटरनल स्टोरेज या फिर 64GB इंटरनल स्टोरेज है, लेकिन अगर आपके पास बढ़िया सा एकदम बढ़िया सा प्रोसेसर है, लाइक स्नैपड्रैगन 800+, स्नैपड्रैगन 750G+, तो इस तरह की डिवाइस में ना भाई आप मतलब कुछ भी कर सकते हो। आई मीन कि हाँ 30+ FPS पर तुम खेल भी सकते हो, वो FPS काफ़ी बार 16 FPS पहुँच जाएगा, ठीक है, काफ़ी बार तो भाई 10 FPS से भी नीचे पहुँच जाएगा जब तुम घर में रहोगे तो। एंड हाँ, यही सीन होता है, तुम बढ़िया से बढ़िया खेलने के लिए एक ही चीज़ कर सकते हो, बढ़िया से बढ़िया डिवाइस ले सकते हो और साथ ही पीसी में खेल सकते हो और बढ़िया चीज़ के लिए, जैसे कि मैं करता हूँ, वो अलग बात है। अगर तुम्हें गेम प्ले चाहिए तो फटाफट से मुझे बताओ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। बाकी हाँ, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अब से जल्दी जल्दी वीडियो आ सकती है, अब इनकी सिर्फ होप कर सकते हैं भाई, मुझे भी पता नहीं। बाकी इंस्टाग्राम पर तो आ रहे हो ना तुम लोग? हाँ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ वहाँ पर कड़िया बिछा के। तब तक के लिए बाय बाय। अरे बहन चो FPS तो तगड़ा मिल जा रहा है। अरे लड़ा यही FPS मिलेगा, ये देखते हैं।